अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए और अपने साथियों से भी शेयर करें। शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने कल्बी तासुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं इसकी ताज़ीम व तौक़ीर नहीं कर पाऊंगा, तो कम से कम मेहंदी वगैरह से बाल छुपा लेता, लोग नहीं समझते कि ये बूढ़ा हो गया है, हैं? अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं इसको छुपा लेता ताकि दूसरे लोग ये ना समझे कि ये इस उम्र को पहुंच गया है और उम्र को पहुंचने के बाद वो मेरे ताल्लुक से ये ख्याल रखे और मैं उस ख्याल पर खरा ना उतरूं, है ना। तो ये आदमी की अपनी विजदानी बात है कि अपने अंदर उसको एहसास करना चाहिए। ये एहसास दिखा रहे हैं कि ये एहसास सबको करना चाहिए जैसे मुझे एहसास है ना। हालांकि ये तो बड़े नेक परहेजगार, और जो जितना बड़ा परहेजगार नेक होता है उसको अपनी छोटी छोटी सी भी चीज बड़ी खता लगती है ना। फरमाते हैं, लौ कुंतु अअलमु अन्नी मा उवक्किरुहु कतमतु सिर्रम बदाली मिनहु बिल कतमी, लौ कुंतु अअलमु, अगर मैं जानता होता, अगर मुझे यकीन होता, क्या किस बात का? अअलमु का मफूल है अन्नी मा उवक्किरुहु, कि मैं मा उवक्किरुहु, मैं उसकी तौकीर नहीं कर पाऊंगा, मा नाफिया, मैं उसकी तौकीर ताजीम इज्जत नहीं कर पाऊंगा। मेहमान की ताजीम, मेहमान की ताजीम क्या है? उसका ख्याल रखना, उसके तकाजों के मुताबिक काम करना, उसकी मेहमान नवाजी करना। और मेहमान नवाजी है, हमारा जो मेहमान है उसकी मेहमान नवाजी किससे है? अमाले सालिहा से। अगर मुझे यकीन होता कि मैं उसकी ताजीम नहीं कर पाऊंगा, यानी मैं अमाले सालिहा के जरिए से उसका एहतराम नहीं कर पाऊंगा, कतम तो सिर्रन बदा ली मिनहु बिल कतमी, कतम यक्तुमु, कतमन नसरा छुपाना, सिर इसका माना होता है राज, है ना। वसिर कुल्ले शैन जौहरु, हर चीज की असल और जौहर को भी सिद्ध कहते हैं। बदा ली मिन हो, बदा यब्दू वुदुवत, इसका माना होता है जाहिर होना। बदा ली मिन हो बिल कतमी, मिन हो की जमीर का मर्जा वही मेहमान, या मेहमान जो है यहां पर वही शैब है, सफेदी। बिल कतमी, कतम ये एक तरह की घास भी होती है जिसको लोग सर में या बालों में, बालों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी हो सकता है ये कतमा यक्तुमो का मजदर कतम है, और उलामा कतम का माना हिन्ना यानी मेहंदी भी बताते हैं, ठीक है। माना होगा, लौ कुंतु अअलमु अन्नी मा उवक्किरुहु कतम तो सिर्रम बदाली मिनहुम बिल कतमी, अगर मुझे यकीन होता कि मैं उसकी ताजीम नहीं कर पाऊंगा, कि मैं उसकी कतम तो सिर्रम बदाली मिनहु, तो इस बुढ़ापे और सफेदी से जो मेरे लिए सिर और राज जाहिर हुआ है उसको मैं छुपा लेता बिल कतमी, मेहंदी लगाकर उसको छुपा लेता, लोग देखते ही नहीं, सफेदी नहीं देखते तो मेरे ताल्लुक से इतना हुस्ने जन भी नहीं रखते, है ना। अब यहां पर देखो, कतमा और कतम दोनों के दरमियान, अगर कतम जो है मजदर है कतमा से तो जनासे इश्तिकाक है, वरना शिबह जनासे इश्तिकाक है। क्या है? शिबह जनासे इश्तिकाक है, ठीक है। इधर बदा है, उधर से उधर कतमा है, छुपाना और जाहिर होना दोनों के दरमियान ईजाबन तजाद है, तिबाक है, तो तिबाकी ईजाब होगा ना दोनों के दरमियान, ठीक है। मल्ली बिरद्द जिमाह मन मिन जिबाह मिन गवायतिहा कमा युरद्द जिमाहुल खैल बिल्लुजुमी, मन ली
अरबी जबान में इस तरह की जो ताबीरात आती हैं मल्ली, तो ये मन जो होता है ये हमेशा एक फेले महजूब से मुताल्लिक होता है। माना होगा मन ली ए मन यतकफ्फलु ली, यहाँ पर एक फेल महजूब होता है। क्या होता है? एक तो माना होगा मन यतकफ्फलु ली मन यतज़म्मनु ली, कौन मेरी जमानत लेता है, कौन होता है, कोई है मेरा कफील। उर्दू में बोलते हैं ना कि यार कोई तो मेरा कफील बन जाओ, है अपने यहां पर भी कफील बनाते हैं लोग, सामिर बनाते हैं। मल्ली कौन है मेरा कफील, मन यतदमन ली व मन यतकफ्फल ली, मेरा जामिन कौन बनेगा, किस बात का? बे रद्द जिमाहिन, जिमाह का माना होता है घोड़े का सरकशी करना, है बिदक जाना, घोड़े पे बैठो और कभी घोड़ा सरकशी कर देता तो आदमी गिर जाता, नहीं गिर जाता, तो उस घोड़े की उस सरकशी को कहते हैं जिमाह, है उसकी हरकतों को। रद्दुल रद्द का रद्द यद्दु का माना खत्म कर देना, रद्द कर देना, रोक देना, चलते हुए को रोक देना, तो वो ही खत्म करना है। मिन गवायतिहा, गवायत उनका माना होता है दलालत गुमराही। मिन गवायतिहा, हा जमीर का मर्जा वही नफ्से अम्मारा है, क्या है? नफ्से अम्मारा, गोया के नफ्से अम्मारा को भी एक शरीर घोड़े से तशबी दे रहे है कि ये नफ्से अम्मारा भी एक शरीर घोड़ा जो अपने राकिब को हरकतें करके गिरा देता है, ऐसे ये नफ्से अम्मारा की भी ऐसी हरकतें हैं। ये नफ्से अम्मारा अपने साहिब को हलाकत तक पहुंचा देता है ना। तो एक शरीर घोड़े से तशबीह दे दी, मैंने बताया कि जिमाह किसे कहते हैं, घोड़े की शरारत को। तो घोड़े एक शरीर घोड़े से तशबीह दे दी नफ्से अम्मारा को, और तशबीह देने के बाद मुशब्बा भी को हज़्फ़ कर दिया मौलाना, घोड़े का जिक्र नहीं किया है, उसका एक लाजिम जिक्र कर दिया, जिमाह लाजिम जिक्र कर दिया। अगर मुशब्बा भी को हज़्फ़ कर दिया जाए और उसके लाजिम को जिक्र कर दिया जाए, यही इस्तियारा बिल कनाया कहलाता है, इसी को इस्तियारा मकनिया कहते हैं। तो जिमाह के अंदर कौन सा इस्तियारा होगा? इस्तियारा बिल किनाया, इस्तियारा मकनिया। और जो भी इस्तियारा मकनिया होता है बेटा, उसके अंदर तखील जरूर होती है। ये तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे। हर इस्तियारा मकनिया इस्तियारा तखीलिया पर मुश्तमिल होता है। मुझे बताऊं कैसे होता है, समझा दूं मैं, जब बात आ गई तो समझाते रहूं। देखो मिसाल के तौर पर जैसे यहीं पर मान लो नफ्से अम्मारा को तशबीह किससे दिए, घोड़े से, ठीक है ना, किसमें? सरकशी में, हरकतें करने में, तो सरकशी में तशबीह दे दी। अब घोड़ा का घोड़ा को तो जिक्र नहीं किया, हज़्फ़ कर दिया, लेकिन घोड़े के लाजिम को तो जिक्र किया ना। अब लाजिम को जिक्र करना यानी जिमाह जो कि लाजिम है, घोड़े की शरारतों को जिक्र कर देना, ये जिक्र करने से मकसूद क्या है, किसके लिए साबित करना है इसे? अरे नहीं, नफ्स के लिए, कि गोया के जिमा जो जिमाह जो सरकशी घोड़े की है वो किसके अंदर है? क्या वाकई नफ्से अम्मारा घोड़े की तरह बिदकता है? आज तक देखा कभी है? कभी उसने अपनी कमर वगैरह खुदाई? नहीं खुदाई ना है। तो ये ही ख्याल करना, ये ख्याल किया गया कि वो भी ऐसी हरकतें कर रहा है ना। जहां पर भी इस्तियारा बिल किनाया होगा तो उसके वहां पर मुशब्बा बिही के लाजिम का जो इस्बात होता है मुशब्बा के लिए, ये महज ख्याली होता है, या हकीकत में थोड़ी साबित हो जाएगा, ये महज ख्याली होता है, है? तो इस्तियारा तखीलिया, हर इस्तियारा बिल किनाया इस्तियारा तखीलिया पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो अब इसमें इस्तियारा तखील, जहां पर भी इस्तियारा बिल किनाया हो तो आप कह देंगे कि इस्तियारा तखीलिया, लेकिन इस्तियारा बिल किनाया पहले समझना पड़ेगा, समझे नहीं? तो जिमाह के अंदर इस्तियारा मकनिया असलिया, क्या है? इस्तियारा मकनिया असलिया है। अब फिर घोड़े ही के मुनासिब रद्द को जिक्र कर दिया, यहां पर लिजाम को जिक्र कर दिया, समझे नहीं? तो ये सब उसके मुनासिबात है, मुशब्बा भी के मुनासिबात के लिहाज से इनको देखा जाए तो यही इस्तियारा तरशिया है। क्या है इस्तियारा? तो इस्तियारा मकनिया असलिया मुरशिहा, ठीक है, ये हो गया इसमें। अच्छा अब और वैसे इनसे इस्तियारा के दायरे से बाहर निकलकर अगर देखो तो लफ्ज रद्द है, जिमा है ना, और खैल है, लुजुम है, सबके दरमियान मुरातुन नजीर होगा, ठीक है। उधर है यूरद्दो, कहां गया?
कमा यूरत दो, और इधर है ये बेरद दे, तो यहाँ मजदर है वहां मुश्तक है, जिना से इश्तिकाक भी जाहिर है, क्या है जिना से इश्तिकाक भी इसमें जाहिर है। अगरचे कुछ लोगों के नजदीक ऐसे भी हो जाता है कि एक जगह पर फेल का जिक्र कर दिया, एक जगह मजदर का जिक्र कर दिया एक मिसरे में, तो उसको कुछ लोग रद्दुल अज़ अला सदर भी कह देते हैं, शायद मेरी नजर में वो रद्दुल अज़ अला सदर होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो खैर, मल्ली बिरद्द जिमाह मिन गवायतिहा कमा युरद्द जिमाह अलखैल बिललुजुमी, लुजुम ये लिजाम की जमा है, लिजाम का माना लगाम है ना, तो जो लगाम है ना, गाफ को जीम से अरबी में बदल दिया गया है, लगाम को उन्होंने मुअर्रब बना लिया और लिजाम कह दिया। ठीक है, यह है यहाँ का लफ्ज अरबी में मुअर्रब हो गया, अरबी में उसको इस्तेमाल कर लिया गया है, अब अरबी में गाफ तो आता ही नहीं है, तो इसलिए जीम से बदलना पड़ गया, लिजाम कर दिया। ठीक है, लुजुम माना होगा मल्ली बिरद्द जिमाह मिन गवायतिहा कमा युरद्द जिमाह अलखैल बिललुजुमी, कोई है ऐसा जो इस नफ्स अम्मारा की गुमराहियों को और उसकी सरकशी की गुमराहियों की सरकशियों को रोकने का जामिन हो, कोई है ऐसा जो नफ्स अम्मारा की गुमराहियों की सरकशी को रोकने का जामिन हो, कमा युरद्द जिमाहुल खैल बिल्लुजुमी, जैसे कि घोड़े की सरकशी को लगाम के जरिए से रोक दिया जाता है, सरकश घोड़े के लगाम डाल देते अब सही हो जाता है, हैं? फला तरुम बिल मासी कसरा शहवतेहा इन ताम युकव्वी शहवतन नहमी। बेटा मा कबल में तो लौ कुंतु आलम मुतकल्लिम का तकल्लुम था ना, अब यहां पर खिताब की तरफ पहुंच गए, है ना, फला तरुम खिताब का सेगा है ना, इल्तिफात मिल तकल्लुम इलल खिताब, इल्तिफात हो गया ना, इल्तिफात भी बलागत की एक खूबी है, है? फला तरुम राम या रूमो का माना होता है कस्द करना, नसरा यंसरों से, बिल मासी मासियत की जमा मासी गुनाह, कसरा शहवतिहा कसर का माना होता है तोड़ना, है कसरा यकसिरो कसरन जराबा से तोड़ना, शहवत शहवतेहा या शहवत शहवतुन नफ्स, नफ्स की शहवत को तोड़ना, कसर शहवतेहा नफ्स की इन ताम ताम खाना जमा तुरूब, युकव्वी कव्वा युकव्वी तकवी तफ़ील से ताकत देना, शहवतन नहिमी अन नहिम फ़ाइल के वजन पर नहिमा यनहमु नहमन बाबे समया से, इसका माना होता है खाने का हरीस पेटुआ होता है ना, जब खाना देगा तो मुंह में पानी आ गया, जहां पर देगा चलो खा लो यार, कुछ लोग ऐसे होते भी है, तो नहिम कहते हैं खाने के हरीस को, है? तो अब साहेब किताब बयान कर रहे हैं फला तरुम बिल मासी कसरा शहवतेहा खिताब, तो मासी के जरिए से नफ्से अम्मारा की शहवत के तोड़ने का कसद मत कर, किसके जरिए से, अब समझा रहे हैं कि मासी के जरिए से नफ्से अम्मारा की शहवत को तोड़ने का कसद मत कर, क्यों यार, नफ्से अम्मारा का तो काम ही है गुनाह करवाना, और तुम गुनाह करने के जरिए से सोच रहे हो कि नफ्से अम्मारा को तोड़ दूं, जब तक गुनाह करते रहोगे नफ्से अम्मारा नहीं टूटेगा, क्यों, इसलिए कि वो तो गुनाहों का हरीसी ही है, है? ये तमसील के तौर पर बता रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे कि एक खाने का हरीस आदमी हो, है, और उसकी खाने की हिर्स को आप तोड़ना चाहो खाना देकर, तो क्या उसकी हिर्स टूटेगी, नहीं टूटेगी, वो तो और उसकी हिर्स और बढ़ेगी ना, उससे तो जितना ज्यादा खाएगा उसकी हिर्स और बढ़ेगी, तो दो मिसालों से समझा रहे हैं, फरमाते फला तरुम बिल मासी कसरा शहवतेहा, तो तुम गुनाहों के जरिए से नफ्से अम्मारा की शहवत के तोड़ने का कसद मत करो, है ला तरुम फेले नहीं है, कसद मत करो, इन ताम युकव्वी शहवतन नहमी, बेशक खाना खाने के हरीस आदमी की शहवत को और तकवियत देता है, है? तो देखो यहां तशबीह दी है इन्होंने किसकी, पहले उधर भाई वहां पर नफ्से अम्मारा को गुनाहों के जरिए से तोड़ना, और इधर
तो ये दोनों ऐसे ही हो गया ना, नफ्से अम्मारा को गुनाहों के जरिए से तोड़ने का कष्ट करना ऐसे ही है जैसे कि हरीस आदमी को खाना खिलाने के जरिए से उसके हिर्स को तोड़ना, तो वो हिर्स टूटेगी नहीं और तकवीत बढ़ेगी। तो एक तरह से दोनों में तमसील से समझाया ना, तशबी दे दी ना, तशबी देकर समझाया, लेकिन ये तशबी कहीं लफ्जों में कहीं मौजूद है नहीं है। ऐसी तशबी को बेटा तशबीह ज़िमनी कहते हैं। क्या कहते हैं कि जहां पर माना के एतबार से ये तो समझ में आया कि इस चीज को इस चीज से तशबी देकर समझाया है, लेकिन वहां पर अल्फाज तशबी आदात तशबी मौजूद ना हो तो ऐसी इसको क्या कहेंगे, तशबी है। तो यहां पर तशबी है ज़िमनी होगी ना, और कह सकते हैं कि तशबी है मुरक्कब भी कह सकते हैं हम यहां पर। क्या कह सकते हैं, तशबी है मुरक्कब। कैसे कि पहले मिसरे में आप देखो ला तरुम बिल मासी कसरा शहवतहा, उसको उससे एक हयात मुंतजा कर ली हमने कि भैया अगर खाना खिलाए, अगर किसी नफ्से अम्मारा को, या ये कह लो कि पहले तो हमने एक हयात मुतसव्वर की और मुंतजा की किससे, किसी खाने के हरीस आदमी को अगर खाना खिलाया और उससे कसद ये किया कि इसका हिर्स टूट जाएगा, तो वहां पर ये कसद करना ये बेकार है, उसका हिर्स टूटेगा नहीं और बढ़ेगा। तो उससे एक हयात मुंतजा कर ली और इधर एक हयात मुंतजा कर ली, हयात को तशबी हयात से दे दी, है ना। इस तरह से ये तरकीब, ये तशबी तशबी है मुरक्कब भी हो सकती है। फला तरुम बिल मासी कसरा शहवतहा, तो मासी और गुनाहों के जरिए से उसकी शहवत को तोड़ने का कसद मत कर। इन ताम युकब शहवत नहमी, बेशक ताम और खाना ये हरीस की शहवत को तोड़ देता है, तकवियत देता है, युकब भी तकवियत देता है। तो यहां पर शहवत, नहम, तकवियत है ना, और कसरे शहवत ये भी कह सकते हो, तो इनमें सब में मुरातु नजीर भी है। और कसर और तकविया इनके दरमियान तिबाके ईजाब है। क्या है, तिबाके ईजाब, शहवत और शहवत के दरमियान रद्दुल अज़्ज़ अलस सदर है, ठीक है। वन्नफ्सु कत्तिफ्ली इन तुम तुहमिलहु शब्बा अला हुब्बिर रिदाई व इन तुफ्तिमहु यनफतिमी। देखो अफ्तमा युफ्तिमु इफ्ताम, बावी फाल से इसका माना होता है औरत का अपने बच्चे का दूध छुड़ाना है। अफ्तमर रिदा, दूध पिलाने और छोड़ दे, दूध छुड़ा दे, ये क्या कहलाता है अरबी में, अफ्तमा युफ्तिमु इफ्ताम, इफ्ताम कहलाता है। और इनफतमा यनफतिमु, इनफिताम का माना होता है छोड़ देना, दूध दूध छोड़ देना वो लाजिम है, और अफ्तमा मुताद्दी, ठीक है। यहां पर भी मिसाल ही से समझाना है, जो बातें हमने वहां पर की थी है ना, तशबीह ज़िमनी या तशबीह मुरक्कब की, वो सब यहां पर भी होंगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी मिसाल से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मिसाल समझो, कह रहे हैं कि देखो एक बच्चा है, तो अगर माँ बच्चे को अगर दूध पिलाती रहे, कभी छुड़वाई नहीं, तो बच्चा जवान हो जाएगा, दूध ही पीता रहेगा। बच्चा जवान, भाई उससे छुड़वाया ही नहीं आपने, तो वो तो जवान होके भी पिएगा, आदत छूटेगी नहीं उसकी। और अगर छुड़वा देती है तो दो साल के बाद भी छूट जाती है उसकी आदत दूध की। तो ये सब अपने ऊपर है ना, जैसे माँ अगर छुड़वाना चाहे तो आदत छूट जाएगी, ऐसे ही अगर हम नफ्से अम्मारा के जो ख्वाहिश है और उसका जो उसकी जो चाहत है गुनाह करना, अगर हम गुनाह पे गुनाह करते रहे तो वो कभी गुनाह करवाना छुड़ाएगा नहीं आपसे, है ना। आप ये मत सोचिए कि वो उसकी हिर्स कम हो जाएगी, हिर्स कम नहीं होगी। तुम कोई सोचे कि भाई आज गुनाह कर लो फिर अगले को नहीं करेंगे, नहीं, हिर्स और बढ़ जाएगी। फिर क्या बढ़ जाएगी, हिर्स और बढ़ जाएगी। तो इसलिए फरमाते हैं कि देखो नफ्से अम्मारा को छूट देना और उस गुनाह पर गुनाह करना, इससे आप ये मत समझिए कि एक गुनाह करने के बाद अब आग बुझ जाएगी, बल्कि वो आग और शोला जन होगी उसकी शहवत की आग, है ना, और बढ़ती रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक माँ अगर बच्चे का दूध ना छुड़ाए तो वो जवान होके भी दूध ही पिएगा, समझिए नहीं। अरे कितना देखा है यार, बच्चे का अगर दूध दो साल में नहीं छुड़ाया ना, तीन तीन साल के, चार चार साल के हो गए, वो बच्चे दूध ही पीते हैं, क्यों, छुड़ाया नहीं। कुछ लोग हेत में आके, मोहब्बत में आके नहीं छुड़ाते, हालांकि गलत करते हैं वो, हालांकि बच्चे के लिए भी वो मुजिर होता है,
लेकिन वो आदत बनी होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि आज पीलेगा तो अब कल नहीं पिएगा, नहीं, उसको तो चाहत उसी की है, आज पी लिया तो और मजा आया तो कल और पिएगा, समझे नहीं, चाहते और बढ़ जाएंगी। तो वही मिसाल से समझाना है, वन नफ्स कत्तिफली इन तुहमिलहु शब्बा अला हुब्बि रिदा, रिदा का माना दूध पिलाना, व इन तुफ्तिमहु यनफतिमी, ये नफ्स बच्चे की तरह है, ये नफ्स बच्चे की तरह, बच्चे से तशबी दे दी नफ्स को, है ना, लेकिन अदाते तशबी तो जिक्र किए, कत्तिफल वजह शिब कहाँ है, है? वजह शिब नहीं, देखो वजह शिब है लेकिन इन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं किए इस तरीके से कि एक जगह पर जिक्र कर देते, इन तुहमिलहु शब्बा अला हुब्बि रिदाए व इन तुफ्तिमहु यनफतिमी, इस सब से पूरे मजमू से वजह शिब मुंतजा करना पड़ेगा, है ना, इस माना कर, तो वजह शिब मजकूर नहीं है फिलहाल यहाँ पर अभी, है, तो वजह शिब अगर मजकूर ना हो, अदात तशबी मजकूर हो, मुशब्बा भी हो तो तशबी मुजमल कहलाती है, तो अन नफ्स कत्तिफल में तशबी तशबी मुजमल होगी, ठीक है। वन नफ्स कत्तिफली, नफ्स ये बच्चे की तरह है, नफ्स बच्चे की तरह है, इन तो हमिल हु अहमल यू हमिलो एहमाल, छोड़ देना, मोहलत दे देना, ढील दे देना, इन तो हमिल हु शब्बा आला शब्बा शब्बा यशब्बो शब्बन, इस या शब्बा यशब्बो शब्बन नसरा, इसका माना होता है जवान हो जाना, इन तो हमिल हु शब्बा, अगर तुम उसको छूट दे दोगे तो वो जवान हो जाएगा, किस पर, अला हुब्बिर रिदा, दूध की चाहत पर ही, दूध की चाहत पर ही जवान हो जाएगा, व इन तुफ्तिमहु यनफतिमी, और अगर तुम उसका दूध छोड़ा दोगे तो वो छोड़ देगा, है ना। तो बड़ी अच्छी तशबी दी है, समझा भी दिया अच्छी तरीके से, तो अन्नफ्सु कत्तिफल में इन तुहमिलहु शब्बा अहमला युहमिलो इहमाल, छोड़ देना और यानी मोहलत दे देना, ऐसे ही रहने देना, और अफ्तमा युफ्तमी इफ्ताम, छुड़ा देना, इन दोनों के दरमियान तिबाक इजाब है, है ना, ऐसी तुफ्तिमहु यनफतिम के दरमियान तिबाके जिना से इश्तिकाक है, तो दोनों का मादा एक है, ठीक है, जिना से इश्तिकाक है इसमें, है ना। और तिफल और शब्बा, अरे यार बच्चा और जवान हो जाना, इन दोनों के दरमियान के दोनों के मफहूम में तिबाके इजाब है, ठीक है। ऐसे तिफल शब्बा रिदा इन